जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो है आंध्र प्रदेश का एक शहर श्री हरिकोटा। इस जगह और दिन का हमारे लिए खास महत्व है। इसकी वजह है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च इसरो का निर्मित किया GLSV F6 रॉकेट। भारतीय साइंटिस्ट यहाँ से रॉकेट लॉन्च करके साइंस के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। इसकी उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये रॉकेट इंडिया से ही क्यों लॉन्च किया जा रहा है? कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया से आज एक रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है, आपके लिए इसके क्या मायने हैं? मुझे क्या इंडिया से आज एक रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है, बता सकते हैं यहाँ से रॉकेट क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे क्या पता क्यों छोड़ रहे हैं? देश से रॉकेट लॉन्च करने पे आपकी क्या राय है? हमारी राय से क्या फर्क पड़ेगा? सर, मैंने कलेक्टर की जॉब से रिजाइन करने का फैसला किया है। ये जॉब एक पर्पस से ज्वाइन की थी, ना कि सैलरी के लिए। ये जॉब एक जरिया था ताकि जनता के बीच रह सकूं, उनका भला कर सकूं। शायद अब तक पावर और पॉलिटिक्स का खेल आप नहीं समझ पाई, या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हो। क्या ये भी इंक्वायरी का एक हिस्सा है? इसे अदरवाइज मत लें, एज योर सीनियर शुभचिंतक होने के नाते पूछा। सर, मुझ पर चल रही इंक्वायरी के हेड हैं आप, पर मैं इस पावर पॉलिटिक्स का मोहरा नहीं हूँ। आई एम अ डेमोक्रेट और वही रहना चाहती हूँ। आपके द्वारा इश्यू सस्पेंशन लेटर में आपने सिर्फ 0.3 का रिप्लाई दिया है। मैंने अपने पावर्स को मिसयूज नहीं किया, अगर किया होता तो उसके इम्प्लीकेशंस इतने सीवियर नहीं होते जितना कि उस वक्त कोई हार्ड डिसीजन ना लेने पर होता। जिसे आप पावर पॉलिटिक्स का नाम देते हैं उसे मैं एंटी डेमोक्रेसी का नाम देती हूँ। जिन लोगों के डेमोक्रेसिक राइट्स के लिए इतनी कंसर्न हो रही हो और वो जाहिल लोग डेमोक्रेसी का मतलब तक नहीं जानते, उन अनपढ़ अंडर सेविंग लोगों के लिए लड़ना मेरी नजर में बेवकूफी है। क्या ये उनकी गलती है? जनता को उनके राइट्स बताना गवर्नमेंट का कर्तव्य नहीं है क्या? गवर्नमेंट की जॉब करने वाली सरकारी ऑफिसर गवर्नमेंट पर ही उंगली उठा रही? आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम गवर्नमेंट के साथ हो या उसके खिलाफ हो? देश के लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं, आपकी नजर में गवर्नमेंट क्या है? वैसे भी मैं सरकारी ऑफिसर नहीं रही, एक फॉर्मर कलेक्टर हूँ जिस पर इंक्वायरी बैठी है। दिस इज द प्रॉब्लम विद यू, ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है, क्यों इसे इमोशनल इशू बना रही हो? मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त उन हालात में कैसे तुमने रिएक्ट किया होगा, सिर्फ तुमसे यहाँ 3 मिनट बात करके। बात को समझो, ऐसे किसी एक्सीडेंट के साइड पे तुम्हें या हमें इमोशनल होने की या फिर उससे चैलेंज के तौर पे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से आज तुम्हें इंक्वायरी के चक्कर में इसीलिए पड़ना पड़ा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो मौत के मुंह में जा रही थी बिना भावनाओं में बहे, मैं बिना अपना संतुलन खोए अपना कर्तव्य निभा रही थी। क्या हुआ, पेट्रोल नहीं है क्या? उससे क्या पूछ रही है, सुबह फुल था, तेरे निकम्मे भाई ने खाली कर दिया, सर पे चढ़ा रखा। ओहो, उसे गाड़ी देने से पहले मुझे पूछा था क्या? सर्वन को फोन लगा रही हूँ, उसे पेट्रोल आने के लिए बोलती हूँ, पानी की बोतल भी मंगवा लूंगी, प्यास से गला सूख रहा है। मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आप अपने फोन से करो ना। फोन कहीं रख के पता नहीं क्या कर रहा होगा। कहाँ चली गई? दंशिका, 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 सांप, इधर आओ, दंशिका, बहुत हो गया, पत्थर फेंको, चलो यहाँ से। ये गाड़ी किसकी है? क्या पता, शायद हमें पानी मिल जाए उनसे। क्या चाहिए? पीने का पानी मिलेगा?
बस यही आखिरी दो बोतल है हमारे पास, आगे पानी नहीं मिलेगा। ये कोल्ड ड्रिंक ले लो। नहीं मैडम, गला खराब हो जाएगा, पानी दीजिए ना। अच्छा ये बताओ, क्या वो तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है वो। उसकी उम्र क्या होगी? 4th साल लगा है अभी। उसे पोलियो ड्रॉप दिए है ना? नहीं मैडम। ये कैसी आवाज है, बहुत ही सुरीली है। आवाज तो किसी पक्षी की है पर दिखाई नहीं दे रही। एक खास गौरैया है, सिर्फ गर्मियों में दिखाई देती है, ज्यादातर अकेले ही घूमती है, यही उड़ती रहती है। हाँ। बच्चे भी आसानी से पकड़ लेते हैं उसे। इतना ही नहीं, अपने अंडे पगडंडियों पर देती है, और रात को जब जानवर घूमते हैं तो खास आवाज निकालती है। बच्ची को नीचे उतारो। मेरी बेटी दंशिका। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? दंशिका। कोई कविता सुनाओ। चिड़िया रानी तुम पेड़ों की ही रानी, सुबह सुबह उठ जाती हो, जाने क्या करती हो, तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी को जाती हो, शाम से पहले आती हो या बच्चों का दाना लाती हो। बहुत अच्छे। चलो मुंह खोलो, तुम्हें एक चॉकलेट खिलाती हूँ। सुना है इस जगह से कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला है? हाँ मैडम, उस दिन पूरा गांव जश्न मनाएगा, कोई आदमी काम पे नहीं जाएगा, गांव में मिठाई बांटी जाएगी, मंदिर में पूजा भी होगी। रॉकेट के उड़ने पे तुम्हें इतनी खुशी क्यों? ये इज्जत की बात है, देश का नाम रोशन होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, सबको गर्व होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। मैडम डॉक्टर का फोन है इस वक्त। हेलो सर। अभी तुमने जो फोटो भेजी है कौन सी जगह? कत्तूर। बहुत अच्छी फोटो आई है। थैंक यू। इन फोटो को हम बैनर में डालेंगे, लोगों का भरोसा बढ़ेगा हम पर। जी सर। अच्छा वहाँ एक बाइक है जिस पर घड़े लटके हुए हैं, मुझे इलाका सूखाग्रस्त लगता है, अगर किसी एनजीओ या रिपोर्टर की नजर पड़ गई तो खामखा इशू बन जाएगा। ऐसा करो माँ बेटी की अलग से फोटो ले लो, और दोनों खुशहाल दिखने चाहिए फोटो में। ठीक है सर, क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ? जरूर लीजिए। एक फोटो ले लो। ठीक है। वहाँ खड़े हो जाओ, आगे आइए, मुंह खोलो। मैडम रेडी हैं आप? मैडम पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। रमन रुक, थोड़ा पेट्रोल चाहिए था। अरे 3 दिन पहले मैंने 30 रुपए का भरवाया था, तुमसे मांगने वाला था तो मुझसे ही मांगने लगे। ठीक है जा। ये नर्स किसका इलाज करने आई है खेतों में? बच्चे को पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं। पिलाने दो। पूछना कोई ऐसी दवा है क्या जिससे उम्र भर प्यास ही ना लगे। तो स्कूल जाने के नाम पर यह यहाँ तैरने आता है। आज पूरा करता हूँ तेरे तैरने का शौक, जब तक साहब ज्यादा अंदर छुप के बैठते हैं। के भीतर है ना, अब जाओ यहां से, जब तक आप नहीं जाओगे वो नहीं निकलेगा। जाओ आप जाओ। मंटू जानवर हो क्या? जानवर हो क्या? पापा चले गए क्या? कब से चिल्ला रही हूँ तब भी नहीं सुनता, निकल जल्दी आ। अरे अरे रुक, अरे रुक मंटू, कब से मस्ती कर रहा है हा? स्कूल जाने के बजाय यहाँ पानी में खेल रहा है, पढ़ाई कर ले वरना मामा की तरह मजदूरी करना पड़ेगा। दिखता नहीं आए दिन इसे लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और मार भी खाता रहता है। स्कूल में मार पड़ती है। ठीक से पढ़ाई करेगा तो क्यों मारेंगे? जो पढ़ाई करते हैं उनको भी मारते हैं, वो राक्षस है, खाल खींच लेते हैं। ये क्या
मास्टर जी को राक्षस बोल रहा है? राक्षस नहीं, उन्हें यमराज का बाप भी बुलाता है ये। बुलाया तो आपको मिर्ची क्यों लगी? तेरे बाप लगता है वो। मामा से ऐसे बात किया करते हैं? इसे ही बुरा बोल सकता हूँ मैं। बदतमीज कहीं का। मैं बदतमीज नहीं हूँ। सुना दीदी, बहुत बोलने लगा है आजकल। बहुत बोलने लगा है। ऊपर देख रॉकेट है। तुम्हें भी बुद्धू बना दिया दीदी। क्या हाल हो गया इधर का? एक भी पेड़ नहीं है, कैसे जिएंगे यहाँ के लोग? हाँ, आजकल सबको लकड़ी का दरवाजा चाहिए, खिड़कियाँ चाहिए, फिर खुद ही शिकायत करते हैं कि हवा नहीं आ रही है। तुम लोगों को याद है ना, जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पेड़ों के पीछे लुका छिपी खेलते थे। अब कोई खेल सकता है? और इन्हीं पेड़ों पे लड़कियाँ सावन में झूलती थी और हम यहाँ से फल चुरा के भागते थे। सुन, सिर्फ यहाँ के जंगल नहीं उजड़े, बचपन की यादें भी धुंधली पड़ने लगी हैं। अब तो लगता है पेड़ पौधों की जगह सीमेंट के जंगल बस जाएंगे यहाँ। हाँ बोलो सुमित्रा। अच्छा सुनो, मंटू को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे हाथ तक लगाने नहीं दे रहा है। मैंने देखा उसके कान से पस निकल रहा है। उसे फोन तो दो। ले बात कर। हाँ पापा। बेटा कब से सुनाई नहीं दे रहा है? कल रात से पापा। माँ को फोन दे जरा। सुमित्रा। अच्छा बताओ क्या करूँ? आज शाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे इसे। सोचा था एक दिन का पगार बचा लूंगा, नवाबजादे ने अपने कान खराब कर लिए। कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा वरना 1000 रुपए तो गए। क्या कहा? शांति डॉक्टर एक खरोंच के इलाज के लिए 3 दिन बुलाती है। तू कान का दर्द ठीक करवाने जाएगा तो वो 3 महीने में तेरा मकान ही गिरवी रखवा देगी। अब क्या है? भड़क क्यों रहे हो? अपने भाई पे कोई पैसा नहीं खर्च कर रही हूँ मैं। क्या शांत रहो, इस गर्मी में आकर काम करता समझ में आएगा? बोलती है दिमाग गर्म है। अरे 4 बोतल पानी पी चुका हूँ सुबह से। देखो फिकर मत करो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप सीधे दवाई की दुकान से दवाई खरीद कर लेकर आइए। ये गलत होगा, कितने भी पैसे क्यों ना लगे कान के डॉक्टर को ही दिखाते हैं। भूल गए, मुझे दंशिका के लिए केक लेने जाना है। मेडिकल से लेकर आप दवाई लेकर आइए। श्रवण तो यहीं रुक, दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है। दर्द की दवाई है क्या? किस लिए? कान के लिए। कान से पस आ रहा है क्या? कान कुछ गीला सा है और उसमें से बदबू आ रही है। किस गांव से हो भाई? कत्तूर। कत्तूर? सुना है वहाँ कोई तालाब या झील नहीं है, सिर्फ खारा पानी है। उसी में तो तैरते हैं। कान में खारा पानी जाने से पस बनता है। ये ड्रॉप दे रहा हूँ, इसे 24 घंटे में कान में 3 बार डालना। कितना हुआ? 25 रुपए। बंद कर इसे। फाइनल रेस तो देखने देती। सोना मत, कान में दवाई डालनी है उसके बाद सोना। सुनो, पानी का रेस देखता रहता है, तैराकी का बहुत शौक है उसे। ए, अपना काम कर। क्यों, इसमें बुराई क्या है? ए, जाके उससे बोल तैराकी भूल जाए, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाए। यहाँ पर तैराकी के लिए कोई जगह नहीं है, खेल कूद से कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा पढ़ लिख लेगा ना तो जिंदगी बन जाएगी उसकी। गला दबा दूंगा उसका दोबारा देखा तो। कभी कबड्डी का खिलाड़ी था मैं, ताकत बहुत थी मगर पढ़ाई में ठस, आज तक भुगत रहा हूं। अपनी सारी पुश्तैनी जायदाद खो चुका हूं अब तक। आज पेंटिंग करके गुजारा करते हैं हम, बच्चों को खिलौना भी नहीं दिला सकता। जिस गरीबी ने आपकी कबड्डी छुड़वाई, क्या वही गरीबी इसे पढ़ने देगी? एक उम्मीद तो है, किसी तरह पढ़ लिख जाएगा तो आगे जाकर कुछ काम करेगा, समाज में थोड़ी इज्जत तो होगी। आपकी जिंदगी उसकी जिंदगी से अलग है। सुनिए, आप अपनी नाकामी की कहानी उस पर मत थोपा करो, एक बार इसे तो देखो। मुझसे कह रही हो? मुझे वो दिन याद है, मुझे देखकर पानी में छिप गया था वो, सांस रुक सी गई थी। एक बार तो लगा कि मैंने अपने बेटे को खो ही दिया है। जानता हूँ वो हुनरमंद है, फिर भी उसे तैरने से रोक कर पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ? अगर मैं गलत हूँ तो भगवान मुझे हमेशा के लिए उठा ले।
ऐसी बातें क्यों करते हो? बेटा सो गया क्या? कबड्डी 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 ये तो हेलमेट जैसा कुछ है। पापा मुझे ये खरीदना है। अरे हेलमेट ही है, इसे पहनने से पानी कान के अंदर नहीं जाता। हाँ। कभी पेन कॉपी के लिए नहीं पूछा? फिर से पानी में तैरने जा रहा है तू? किसी दिन तेरे कान को उतर दूंगा मैं। अच्छा कलछुल में सब्जी लेकर आना। क्यों उसे सर पे चढ़ा रही हो? अरे कल रात को समझाया था ना, बच्चों को नहीं डांटते और आप डांटे जा रहे हो। पीठ पे पानी डाल, बाप हूँ मैं, दुश्मन नहीं। नमक बहुत तेज है, इनको नहला दो। ठीक है। मंटो तैरना इसलिए आना चाहिए कि डूबने से बच सकें, लेकिन सिर्फ तैरने से जीवन नहीं चलता, समझ गए? फिर से वही राग अपना शुरू कर दिया। आज तो आप ना अपने आप ही नहा लो। तू इधर आ, चला इधर आ। तू भी ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि डांट खानी पड़ जाती है। जब तक तेरा कान ठीक ना हो इसे पहनकर नहाना, ठीक है? चला। आज से यही नहाना, यही तेरे लिए तालाब नदी और समुंदर है। फिर से कान दर्द की शिकायत की ना तो तेरे कान खींचकर हाथी जैसा लंबा कर दूंगी। जब देखो अपने बाप से डांट खाता रहता है। कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला चाहिए। ए क्या सूंघ रहा है, इधर देख। ये कौन सा वाला है? ये वेनिला है 500 का। और ये 600 का, और वो स्ट्रॉबेरी 650 का। ये वाला? वो नीचे वाला? हाँ। वो 350 का है। अच्छा यही दे दीजिए। नाम लिखना है? क्या नाम लिखूं? दंशिका। अच्छा ये बताओ नाम हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में? किसी में भी। लिख दो। इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश नहीं आती क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? क्यों आप समझ नहीं पाओगे क्या? अरे अगर तुम उर्दू में लिखोगे तो भी हम समझ जाएंगे। वो सब बातें छोड़ो, उस परिवार के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है ये मुझे बताओ। पानी दो। कलेक्टर इज ऑन द वे। हाँ ठीक है। नमस्ते मैडम, आपको इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। क्यों? आप यहाँ से गुजरने वाली हैं? ये जानने के बाद गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो गए हैं।
क्या समस्या है उन्हें? वही पानी की समस्या मैडम। क्यों, यहाँ वाटर टैंक नहीं है? वाटर प्लांट पर अमल नहीं हो रहा? यहाँ कुल मिला के 3 टैंक है मैडम। पानी का लेवल नीचे होने की वजह से खारा पानी आता है। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ। मैडम आपको तो फंक्शन में जाना है ना? उसे कैंसिल कर सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते हमारी पहली ड्यूटी पब्लिक की हेल्प करना है, समझे? पानी सबका हक है, पानी हमारा हक है। अधिकारी क्या क्या ऐसे पेश आते हैं? इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। अधिकारी का इज्जत करने से हमें परहेज नहीं है, लेकिन हमारी फरियाद भी सुनने वाला तो कोई हो। इसे हटाओ। लेकिन बहुत धूप है मैडम। धूप सभी को लग रही है, तुम जाओ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी। न्याय मांगना आपका हक है, लेकिन उसके लिए दूसरों को तकलीफ देना गलत है। वहाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ रुकी हैं। बच्चों को स्कूल पहुँचना है, किसी को ऑफिस जाना है और किसी को हॉस्पिटल भी जाना है। प्लीज उन्हें जाने दीजिए। हमें आपकी बात नहीं सुननी है। पहले हमारी सारी मांगे पूरी करिए, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रुक जाइए, अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो आप नारे लगा सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, बात करूंगी, लेकिन पहले स्कूल बस को जाने दीजिए। प्लीज आप सब लोग इस तरफ आ जाइए। मैडम आपने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने दें। हम उन्हें स्कूल तो भेज देंगे, लेकिन क्या वहाँ उन्हें पानी मिलेगा? अगर पानी नहीं मिला तो गांव का कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा। मैडम आज की तारीख में पानी का संकट कोई साधारण समस्या नहीं है। अगर खुल के कहूँ तो ये प्रॉब्लम कुछ भ्रष्ट लोगों की देन है। इस समय आपकी समस्या का मैं एक सलूशन निकाल सकती हूँ। आपकी बात पर हम कैसे यकीन करें? अरे मैडम, जमीन में बहुत गहराई तक पानी नहीं है। यहाँ एक ही दुकान है जो पानी बेचता है। अब उसे पानी कैसे मिल जाता है मैडम, ये भी एक राज है। हमारे पेड़ों को देख लो, किसी भी पत्ते को हाथ लगाओ तो पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह बिखर जाते हैं। लगता है जैसे हवा से सारी नमी सुखा दी गई हो। मैडम हमारी हालत जल से निकली मछली की तरह है। ऐसा लगता है वो मछली खुशी से उछल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि वो मछली मौत पाने के लिए तड़प रही होती है। कुछ समय पहले लोग महामारी से जानवरों की तरह मर रहे थे, लेकिन अमीर ताकतवर लोगों ने उसमें भी फायदा ढूंढ लिया। बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के? क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता मैडम? मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक बाप अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ रहा है। हमारे लिए कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ सब मर जाएंगे। हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। जब तक आपकी समस्या हल नहीं हो जाती मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के? हमारे लिए कुछ करो बेटी। जी मैडम। अभी अभी एक वाटर टैंकर यहाँ से गुजरा है, चेक करो वो कहाँ जा रहा है। अभी देखता हूँ मैडम। हाँ बोलो। मैडम यहाँ पर एक बस खराब हो गई है, यहाँ करीब 45 टैंकर्स हैं। ये सारा पानी होटल्स और बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया जा रहा है। सभी टैंकर्स को सीज कर दो और गांव ले जाओ। इमारतों से ज्यादा गांव वालों को पानी की जरूरत है। वेट वेट, एक सेकंड। बिना परमिशन के टैंकर्स को सीज करने का ऑर्डर दिया ये मैं समझ गया, लेकिन उसी पानी को तुमने कई गाँव में पहुँचाया वो बिल्कुल गलत था। आफ्टर ऑल ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? सर कानून वैसे ही होने चाहिए जिसमें जनता की भलाई हो। वो कानून किस काम के जिनसे जनता परेशान हो? बेकार की बातें मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ पानी डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? यमुना ने 1100 की बोली लगाई, यमुना ने 1100 की बोली लगाई। मेरे 1200 लगाओ। सुमित्रा ने 1200 की लगाई है, कोई और है? दीदी मेरे 1300 रुपए लगाओ। 1300, रजनी के 1300, रजनी के 1300। दीदी मेरे 1400 लगाओ।
सुमित्रा के 1400, सुमित्रा के 1400। मेरी ओर से 1500। यमुना की 1500 की बोली, यमुना की 1500। कहाँ है यमुना दीदी? इससे क्या होगा, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, मैं इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकती, समझी? ए यमुना, पता है ना सुमित्रा को 2 बच्चों की फीस भी देनी है, बिचारी पर थोड़ा तरस खा। अगली चिट मेरे नाम से खुलनी चाहिए। ए सुमित्रा, इस बार चिट तेरे नाम की। चाय का टाइम हो गया, चलो चाय पी लो सर। आ जाओ इधर, आओ यहाँ चाय पी लेते हैं। हाँ मुझे मुझे दो। ए दंशिका कहाँ है? वो उस तरफ गई है। मुझे भी देना चाय। लो ना बिस्किट भी लो। मुझे भी चाहिए बिस्किट। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे सुमित्रा मुझे दो ना। चाय तो पी के जा। नहीं अभी नहीं, मुझे भी दीदी मुझे जल्दी करो। दंशिका, 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 अरे कहाँ गई होगी, आ जाएगी वापस। दंशिका, 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 हम निकाल लेंगे। बोरवेल में गिर गई है, बोरवेल में। इस वक्त तुम लोग कहाँ पर हो? एक खेत में है सर, कत्तूर गांव में सर। अच्छा। जल्दी पहुँचिए ना सर, जल्दी कीजिए सर। क्या कहा फोन पे? पहले बात हुई थी, अब तो फोन ही नहीं। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी। चलो चलो जल्दी करो। आप लोग पीछे रहो ना, थोड़ा पीछे रहो, देखने तो दो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही अंदर अंधेरा है। दंशिका, दंशिका तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब लोग शांत रहो, फोन किया है हमने, हो सकता है कलेक्टर साहब की तरफ से कोई मदद आए जल्दी। अरे कितनी छोटी बच्ची है। कुमार से कहो मेरा फोन लेके आए। ए कुमार फोन लेकर क्या? इसकी गहराई कितनी होगी? तकरीबन 36 फीट है। ए जल्दी से रस्सियां लेके आओ। हाँ चलो 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 जल्दी चलो, चलो सब जल्दी जल्दी चलो। ए गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं पता सर, जाकर देखता हूँ। जल्दी चेक करो। ठीक है सर। इसको टूल्स ला कर दो। हेलो हेलो, सुनो इसको मैं नीचे डाल रहा हूँ, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, शोर मत मचाना।
आराम से धीरे धीरे ले जाओ धीरे। ए इसकी माँ को बुलाओ। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। नंशिका 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 कुछ बोलो बेटी। तुमको यहाँ से लेकर जाओ वरना बच्ची डर जाएगी। आप इन्हें लेके जाओ। नंशिका नंशिका कुछ बोलो बेटी, हम लोग तुमको निकाल लेंगे। घबराना मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा वो भी आ रहे हैं, हम लोग निकाल लेंगे तुमको। क्या होगा बच्ची का? अरे बच्ची कैसी है? कुछ कुछ आवाज आ रही है क्या? क्या आप लोग थोड़ी देर चुप रहोगे? अरे तुम्हें क्या पता? अरे सुन कैसे पाऊंगा मैं? नंशिका नंशिका कुछ बोलो बेटी, हम लोग तुमको निकाल लेंगे। घबराना मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा वो भी आ रहे हैं। नंशिका में नहीं आ रहा, हुआ क्या है? जल्दी करो, लेट हो रहा है। सर एम्बुलेंस आगे नहीं आ सकती, उसका रास्ता भी रुक गया। दंशिका क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? हम नीचे रस्सी फेंक रहे हैं, उसे पकड़ लेना। शायद आपकी आवाज नहीं सुन रही है। दंशिका दंशिका उस रस्सी को पकड़ लो बेटा, सुन रही हो ना? रस्सी को पकड़ लो। शायद आपकी आवाज नहीं सुन पा रही, हो सकता है कि नेटवर्क ना हो। नमस्कार, आज कत्तूर गांव में किसान की बेटी बोरवेल। चुप, ये बंजर जमीन है, सालों से बारिश नहीं हुई, खेती कहां से होगी? आज कत्तूर गांव में रहने वाले एक परिवार की 4 साल की बेटी जिसका नाम दंशिका है, वो खेत में खेल रही थी कि अचानक एक खुले पड़े गहरे बोरवेल में वो बच्ची गिर गई। हाँ बोलिए। एसपी धनंजय बोल रहा हूँ मैडम, कत्तूर विलेज की तरफ जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मिली है कि 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। ओह, आपने मेडिकल टीम को इस बारे में जानकारी दी? फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कीजिए। बीएओ, तहसीलदार और दूसरे ऑफिशियल्स को भी तुरंत आने को कहिए। मैडम आप तहसीलदार गणेश बोल रहे हैं? जी मैडम। इस वक्त कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ मैडम, कत्तूर पहुँच रहा हूँ। रास्ते में? जी गाड़ी में हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। गाड़ी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही। दरअसल मैडम सिग्नल नहीं था इसलिए गाड़ी से उतर कर बात कर। सिंसियरली काम कीजिए प्लीज। यहाँ के VAO कौन है? धनपाल मैडम। और वो कहाँ है? वो वही स्पॉट पर है, उन्हें कहिए मुझसे बात करें। जी मैडम। सर आपका वैसे ही होगा। DM का फोन है यार। धनपाल साहब फोन, तहसीलदार साहब का फोन है, अगर फोन उठाया तो बहुत काम दे देंगे। अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, समझ गए सर। नमस्ते सर, मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, वो इस समय गाड़ी चला रहे हैं सर। तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? सर हम लोग कत्तूर गांव जा रहे हैं, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे सर। गाड़ी में हो तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? गाड़ी अभी सिग्नल पे खड़ी है सर। ठीक है कलेक्टर साहब उनसे बात करना चाहती है, उनसे कहो कि जल्द से जल्द फोन कर ले। अभी फोन करवाता हूँ सर। सुनो क्या बोला उन्होंने सर? हाँ। अरे वो तहसीलदार बहुत तेज आदमी है सर, समझ गया कि हम गाड़ी पे है ही नहीं। अरे खाक तेज आदमी है, यूजलेस फेलो है, सड़क किनारे खड़े होके गप्पे मार रहा होगा, हवा में तीर छोड़ा होगा। सर एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई ना? ना एम्बुलेंस आई है ना फायर ब्रिगेड वाले। पता करो। मैं सुनो जल्दी से फायर ऑफिस पे फोन लगाओ। फायर ब्रिगेड अभी तक वहाँ पहुँची क्यों नहीं? 101 पे इन्फॉर्म किया था मैडम, पता नहीं। जो भी खबर हो मुझे अपडेट करते रहना प्लीज। ओके मैडम। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कत्तूर गांव में दंशिका नाम की एक 4 साल की बच्ची आज दोपहर को बोरवेल में गिर गई। उस बोरवेल की कुल गहराई तकरीबन 148 फीट है और दंशिका उसमें तकरीबन 36 फीट की गहराई पे फंसी है। आरंभिक पड़ताल से पता चला है कि वो खुला बोरवेल किसी और का नहीं बल्कि उसी गांव के रहने वाले जमींदार बाल कृष्ण के खेत में ही स्थित है। हेलो मैडम, मैं DSP राजन खन्ना बोल रहा हूँ।
बोरवेल 2 साल पुराना है, पानी नहीं निकला इसलिए उसे खुला छोड़ दिया गया। पता चला ऐसे और भी कई बोरवेल हैं जिन्हें कभी कवर ही नहीं किया गया। हमारी कोशिश यही रहेगी मैडम कि जितनी जल्दी हो सके बच्ची को निकाला जाए। मीडिया इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना रही है। जमींदार से पूछताछ की, कहीं गायब हो गया है मैडम, कहीं से भी ढूंढ निकालो। सारे ओपन बोरवेल क्लोज करवाओ, FIR दर्ज करो और जो भी अपडेट हो कीप मी इन्फॉर्म्ड। ओके करो, और कितना टाइम लगेगा, पूरा रास्ता जाम हो गया। हाँ जल्दी करो जल्दी करो, वो देखो पकड़ो उसे। चलो 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 गाड़ी आप चैनल से तो मैं क्या करूँ। अरे आप लोग शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग, कलेक्टर साहब आ रही है। दूसरा क्लच वायर मिला, जल्दी करो। यस मैडम, क्लच प्लेट भी डैमेज हो गया है, कोशिश कर रहे हैं। इसे ठीक करने में कितनी देर लग जाएगी? मैकेनिक के आने के बाद ही ठीक हो मैडम। फायर स्टेशन से फोन है। हेलो मैडम, एक इमरजेंसी आ गई है, इमीडिएटली कत्तूर विलेज में एक फायर इंजन भेजो। मिस्टर के घर फंक्शन है, गाड़ी वहीं गई है मैडम, जैसे ही आएगी भिजवा दूंगा मैडम। जल्द से जल्द भेजो। ठीक है, एक काम करो, क्या हम दूसरे रास्ते से गाड़ी ले जा सकते हैं? मैडम कत्तूर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, रास्ते में एक टूटा हुआ पुल है जिसकी वजह से पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगेगा। क्या इतना समय है हमारे पास? बच्ची को गिरे 1 घंटा हो चुका है मैडम, ज्यादा देर होने से खतरा हो सकता है। पास के हॉस्पिटल से कोई मेडिकल टीम पहुंची है? 2 नर्सेस पहुंच चुकी हैं। हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया है प्लेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। मतलब बच्ची बिना ऑक्सीजन के वहाँ बसी है? क्या है ये, वो ब्रिज अब तक रिपेयर क्यों नहीं किया गया? मैडम लोकल पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो पाया। और जगह पॉलिटिक्स, ऐसे इनसेंसिटिव पॉलिटिशियंस और ऑफिसर के रहते देश प्रोग्रेस कैसे करेगा? एक काम करो, इस गाड़ी को धक्का मारकर खाली जगह पर लगा दो। मेरी बच्ची! यहाँ बैठे बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? कोई नहीं आने वाला है, क्यों आएंगे वो लोग? लड़की मिनिस्टर की नहीं है, दंशिका को अगर बचाना है तो खुद कुछ करना होगा। जाके हंगामा करो, सड़कें रोको, ट्रेनें रोको, बस चलाओ, गाड़ियां चलाओ, फिर देखो कैसे नहीं आते हैं वो। एक भी सरकारी आदमी नहीं पहुंचा। ए, सुनो सुनो, क्यों गलत बातें करके लोगों को भड़का रहे हो? फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब हो गई है, एक भी सरकारी आदमी नहीं पहुंचा क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते। मीडिया वाले कैसे आ गए? ये लोग सुधरने वाले नहीं। ऐसे क्यों कहते हो, मैं भी तुम में से ही एक हूँ, थोड़ा धीरज रखो। अब गाड़ी खराब हो जाएगी तो कोई क्या कर सकता है? किसी को भी हमारी चिंता नहीं है। अरे सुनो भाई, चिल्ला क्यों रहे हो, बड़े ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? ज्यादा परेशान करोगे तो हम काम कैसे करेंगे, तुम लोग समझते क्यों नहीं? आप लोग करते क्या है, इतना हंगामा करने के बाद तो आप लोग आए हैं। कैसी बातें कर रहे हो, क्या बकवास है ये सब? चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ, आप जाओ, बात करने का तरीका सिखाएंगे। आओ भाई, अरे जाओ यहाँ से, त्रिवल्लूर जिले के कत्तूर गाँव के एक जमींदार बालन, जिनकी जमीन पर बने 140 फीट के बोरवेल को इसलिए खुला छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें पानी नहीं निकला, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक 4 साल की मासूम बच्ची उसमें गिर गई। प्रशासन को यहाँ आने में इतनी देर लग गई, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? गिरे 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन ना यहाँ फायर इंजन पहुँचा ना ही एम्बुलेंस का कोई पता है। क्या आप जमीन के मालिक के खिलाफ एक्शन लेंगी? मैडम प्लीज कुछ तो बोलिए। इस वक्त हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इन्हें अपना काम करने दीजिए प्लीज। मैं मैडम सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, बच्ची को बचाने के बाद ही स्टेटमेंट दूंगी, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैडम क्या आप लेट आने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? प्लीज अंडरस्टैंड,
कोई जानबूझकर लेट नहीं आता, गांव और शहर की दूरी होने की वजह से लेट हो जाता है। प्लीज हमें काम करने दीजिए। क्या शहर से दूर रहने वालों के लिए कोई सर्विस नहीं है? दूरी सिर्फ मुसीबत के समय होती है। इलेक्शन में जब वोट मांगना होता है तो नेता हेलीकॉप्टर से भी पहुंच जाते हैं, फिर कुछ भी दूर पास नहीं होता। यहां लोग अपने मतलब से आते हैं। आराम से हमारी बेटी को बचा लो मैडम, आप ही हमारे लिए भगवान हो। प्लीज उठिए। 4 साल की बच्ची है मेरी। थोड़ी हिम्मत रखिए। देखिए हम सब लोग यहाँ सिर्फ आपकी बेटी को ही बचाने आए हैं। विश्वास रखिए सब ठीक होगा। ऑफिसर प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए। यस मैडम। इस तरफ आइए मैडम, इस तरफ। क्या वो ठीक है? चेक कर रहे हैं मैडम। उसकी फिजिकल कंडीशन? अंदर जहरीली गैस नहीं है, बच्ची जिंदा है। गहराई कितनी है? लगभग 36 फीट नीचे। रेस्क्यू करने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 से 3 घंटे। इतना वक्त क्यों? जल की चौड़ाई कम होने की वजह से टाइम लगेगा मैडम। क्या तब तक वो लड़की सर्वाइव कर पाएगी? सर्वाइव करेगी मैडम, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो 3 घंटे सस्टेन कर सकती है। पाइप लेकर आओ। मेक इट फास्ट। नर्स, मास्क पहुंचाने के बाद पानी का इंतजाम करो जल्दी। ये क्या है? माइक और कैमरा कुएं के अंदर ले जा रहे हैं मैडम। कैमरा के हेल्प से स्क्रीन पर लड़की को देख पाएंगे और माइक से उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स और बॉडी मूवमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है। पता नहीं क्या होगा, लड़की अब तक जिंदा होगी कि नहीं। बताइए, बोरवेल को खुला छोड़ दिया। उसकी आंखें नजदीक से दिखाओ, थोड़ा जूम करो। डरी हुई नहीं लग रही है, काफी हिम्मती लड़की है। आई थिंक शी इज ओके, शी नीड्स सपोर्ट। अगर कोई उससे बात करना चाहे तो उसके पापा को बुलवाओ। श्योर मैम। मैं भी बात बच्ची के पापा को बुलाओ। ए वीरेंद्र, खड़े हो जाओ, इनको हेडफोन दो। हाँ, बात कीजिए बच्चे से। वीरेंद्र, पहले रोना बंद कीजिए, बच्ची डर जाएगी। तंशिका, बहुत जल्दी कर लेंगे बेटा। तंशिका, दंशिका, पापा कौन बोल रही है? कलेक्टर मैडम है बेटा। उनका नाम क्या है पापा? मेरा नाम माधवी है बेटा। दंशिका, आज ही तुम्हारा बर्थडे है ना? आज नहीं है, कल है। तुम्हारे लिए कौन सी चॉकलेट लाए? माँ मेरे लिए केक लाने वाली है, उसमें मेरा नाम भी लिखने वाली है। हाँ बेटी, हाँ, उस केक पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। पापा, मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूँ।
कौन साथ मेरी बच्ची? वही जिसे खाना खाते हैं। दंशिका, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही ना? ठीक, गंदे से बू आ रही है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, गर्मी से पसीना आ रहा होगा ना? बोलो, नीचे बहुत गर्मी है क्या? मुझे सुन्नू आ रही है। वही कर ले बेटा। कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने? क्यों? दरअसल मैडम, हम उसे खींचने वाले हैं। अगर कपड़े मजबूत होंगे तो हुक फंसा कर खींच लेंगे। ऐसा मत कीजिए। आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना। फट गए तो वो दोबारा नीचे गिर जाएगी। रस्सी पर बटरफ्लाई नॉट लगाकर उसके हाथ में फंसाएंगे तो हैंड लॉक हो जाएगा। हाथ लॉक होने के बाद बच्ची को ऊपर खींच लेंगे। हाँ, पर शोल्डर डिसलोकेट नहीं हो जाएगा? चांसेस तो है मैडम। और कोई ऑप्शन? हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। हम खींचने के लिए पहले वायर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वायर्स से बॉडी और स्किन बुरी तरह छिल जाती थी। डॉक्टर, और कोई तरीका नहीं और है? कोई तरीका नहीं है मैडम, कैसे भी बच्ची की जान बचानी है। वी विल टेक केयर मैम। आर यू श्योर? श्योर मैम। ओके, प्लीज स्टार्ट द प्रोसीजर। यस मैम। रेस्क्यू टीम ने कैमरा और माइक की मदद से बच्ची से बातचीत की और उसके सुरक्षित होने की पुष्टि की है। प्रशासन उसे बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रेस्क्यू टीम रस्सी पे बटरफ्लाई नॉट से लड़की का हाथ लॉक करके उसे बाहर खींचने की कोशिश करने वाली है। ए, क्या मजाक है ये गरीब के साथ? इतने सालों बाद भी हमारे लिए एक मशीन तक नहीं बनाई गई। गरीब को बचाने के लिए सिर्फ एक रस्सी बची है क्या? थोड़ा आराम से खींचना, वरना सरकार को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। रस्सी डालनी थी तो एक ही इंसान काफी था ना? हाँ, यहाँ पे कलेक्टर, एक एसपी और डॉक्टर की फौज क्यों खड़ी कर दी? हाँ, रस्सी की क्या हमारे पास कमी है? हम खुद ही नहीं खींच सकते थे डाल के? गरीबों के बचाने के लिए एक मशीन तक नहीं बनाई, सब कुछ अमीरों के लिए है। हेलो, 1 2 3 4। टूटा फूटा झोपड़ा हमारा, गरीब का झोपड़ा चला के नेता अपनी रोटियां सेके। आज फिर से एक 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी। क्या प्रशासन लड़की को बचा पाएगी, या फिर पिछले केसेस की तरह वो मौत की भेंट चढ़ेगी? आज का सवाल यही है। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में, जहां शहर और गांव दोनों है, लेकिन हमारे प्रशासन और आम लोगों का रवैया शहर के निवासियों के लिए अलग होता है और गांव में रहने वालों के लिए अलग होता है, ऐसा क्यों? वो क्या है कि इंडिया में ऐसी लापरवाही के प्रति गवर्नमेंट और लॉ बहुत लीनियंट है, इसीलिए ये सिविल केस बन के रह जाता है। अगर यही हादसा फॉरेन में हुआ होता तो ये क्रिमिनल केस बन जाता। तो आप हमें बताइए कि आज जो लड़की बोरवेल के कवर्ड ना होने के कारण उसमें गिरी, उसके पीछे खुद वो लड़की या फिर कोई और जिम्मेदार है? देखिए, एक 4 साल की लड़की जानबूझ के जान जोखिम में डाल के बोरवेल में तो नहीं कूदी होगी ना? बोरवेल को खुला छोड़ने के लिए उसे चेक करने वाली सरकारी एजेंसी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, एंड ऑफ कोर्स उस बोरवेल का ओनर भी। देखिए, ये पहला ऐसा केस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इससे पहले हजारों बच्चे ऐसे ही बोरवेल में गिर के मौत के मुंह में सो चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आज अगर ये इस तरह का पहला केस होता तो कह सकते थे कि महज एक एक्सीडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत स्लोली, आराम से। आराम से रस्सी को नीचे लेते जाओ। रस्सी को नीचे लेते जाओ।
बहुत स्लोली, आराम से। बाई तरफ रखो रस्सी, आराम से। धनशिका, अपने हाथों को रस्सी में डाल दो। बच्ची रस्सी में पूरा हाथ नहीं डाल रही है, हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। लूप को टाइट करो, जल्दी करो। सुनो बालकृष्ण, रस्सी खींचो आराम से। उसने रस्सी पकड़ी हुई है, आराम से। बच्ची ऊपर आ रही है, बहुत आराम से। सेंटर में रखो, सेंटर में। साइड से बचाओ, सेंटर में रखो, सेंटर में। हाँ बस, हाँ खींचते रहो, खींचते रहो। ध्यान से, आराम से, बहुत आहिस्ता, एकदम आराम से। जल्दबाजी मत करना। माँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। हाथ बहुत दर्द हो रहा है माँ। दंशिका, देखो रस्सी पकड़े रहना, छोड़ना मत बेटा। देखो बच्ची डरी हुई है, ज्यादा तेज मत खींचना, समझ गए? बहुत आराम से खींचो उसे, हाँ बहुत ध्यान से। बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छूट छूट रहा है माँ। देखो जल्दी क्या स्थिति है, जल्दी जाओ। मेरी बच्ची को बचाओ, बचाओ मेरी बच्ची को, बचाओ। सुमित्रा, हटिए हटिए, पीछे पीछे पीछे, हटिए हटिए, जरा पीछे। देखिए देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, हम किसी भी तरह बच्ची को बचाएंगे। अरे कोई पानी लेकर आओ, किसी भी तरीके से उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाओ। ए, कोई आगे नहीं आएगा। चले, चले, चले। सुमित्रा, देखो इसे क्या हो गया। जल्दी देखो, डॉक्टर रवि, ऑक्सीजन केबल की लेंथ बढ़ा दो। इतने लेंथ वाले केबल से काम नहीं चलेगा, एक और केबल जोड़कर उसकी लेंथ जल्दी से बढ़ाओ। और कितनी देर लगेगी? बस दो मिनट में हो जाएगा मैडम। प्लीज जल्दी कीजिए, जल्दी आओ मेरे साथ, आ जाओ। बोरवेल में फंसी धनशिका को बचाने की कोशिश में एक और रुकावट आ गई। फायरमैन लड़की को एक रस्सी से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ से रस्सी छूट जाने के कारण वो फिर से नीचे गिर गई। रुक जाओ,
गोपाल कृष्णा, लड़की की सांस की आवाजें आ रही हैं। कितनी गहराई में होगी ये? लगभग 36 फीट। डॉक्टर, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेक कीजिए क्या हुआ। मैडम, गहराई में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए बच्ची बार बार लंबी सांसें ले रही है। हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है मैडम, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है डॉक्टर? वो अभी भी ब्रेथलेस लग रही है। ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस रखो। ओके सर। लेवल धीरे धीरे बढ़ाओ। हाँ हाँ, बढ़ा रहा हूँ सर। इस समय लेवल क्या है? 4 लेवल है सर। 4? 4 लेवल। 4 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ। बढ़ाता हूँ सर। डॉक्टर, अभी भी कंडीशन वैसी ही है, कोई सलूशन ढूंढिए, डू समथिंग क्विक। मैं करता हूँ, मैं हॉस्पिटल फोन लगाओ। दंशिका, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? सर, हमने 36 लेवल पे ऑक्सीजन दिया था, तब तक तो बच्ची नॉर्मल थी। अभी हमने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया है, बट शी इज सफोकेटिंग। क्या हम ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ा दें सर? थोड़ा और जूम करो, और थोड़ा और। मैडम, ये समुद्र के पास की जगह है, नीचे एक्सेस मीथेन गैस होगी, इसीलिए ऑक्सीजन इन्फेक्टिव हो सकता है। मैंने अपने सीनियर से बात की है मैडम। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, एज अ डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं? मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल करने में आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं। डॉक्टर, इस वक्त क्या कर सकते हैं हम? मुझे एक और बात बताइए, ऐसा ही सफोकेट करती रही तो कब तक सर्वाइव कर पाएगी वो? मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है मैडम, लेकिन कंडीशन बहुत सीरियस है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। सॉरी, इस वक्त हम इतना ही कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मैम। अरे शांत रहो, सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। भीड़ को पीछे करो, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं हुआ, तुम बस बैठो यहाँ। अरे अरे सुनो, सुमित्रा, अरे अरे, यहाँ नहीं आ सकते। क्या हुआ सुमित्रा को? कोई जाओ वहाँ, उन्हें वापस बुलाओ। यस मैडम। वीरेंद्र, वापस मत आना। वीरेंद्र, वापस मत आना। इन लोगों के पास रस्सी के सिवा और कुछ नहीं है। अब तुम्हारी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। अगर वो मर जाए तो समझ लेना कि डेंगू या टीबी से उसकी मौत हो गई है। कम से कम अपनी पत्नी को तो बचा लो। अगर तुम्हारी पत्नी यहाँ रही तो बेटी की हालत देख के वो भी मर जाएगी। भाग जाओ वीरेंद्र। अरे रुक जाओ वीरेंद्र, रुको, देखो इन्हें एम्बुलेंस तक ले जाने दो। चलो लेके इन्हें। जल्दी करो, जल्दी अपना कुछ ही जाइए पीछे। आराम से लेटाओ। हाँ ठीक है, संभाल के। पीछे हटिए आप लोग। वीरेंद्र, क्यों सबकी मुश्किलें बढ़ा रहे हो? संभालो खुद को, तुम्हारी फैमिली को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। वीरेंद्र, मैडम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, देख रहे हो ना। ऐसे निराश होने से क्या होगा, बाहर टीवी चैनल वाले खड़े हैं,
सबके सामने तमाशा मत बनाओ, बात को समझने की कोशिश करो वीरेंद्र। नहीं साहब, अकेला छोड़ दो हमें, यहाँ रुके तो ये रो रो कर मर जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास। वीरेंद्र माफ करो, थोड़ी हिम्मत रखो, हम कोशिश कर रहे हैं ना। बेटा तुमने कुछ खाया? बच्चे के लिए कुछ खाना लेकर आओ। सर एक मिनट, क्या हो रहा है? बताता हूं, बताता हूं, शांत रहिए, रुकिए रुकिए, आप लोग जाइए जाइए जाइए। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो तो मीडिया वाले हैं, तुम लोग यहीं रुको। तो मैं भी टीवी से ही हूँ। कौन से चैनल से? किसी भी चैनल से हूँ, तुम्हें से क्या करना? अरे जाओ पीछे, पीछे जाओ। कैसे नहीं जाने दोगे? हर साल टैक्स की भीख मांगने के लिए जाते हो, अरे जरूरत पड़ने पर एक बच्ची को नहीं बचा सकते? पीछे जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा, जाओ जाओ पीछे डो। मैडम हम आम पब्लिक नहीं है मैडम, हम रिपोर्टर्स हैं। आप बता सकती हैं इस केस में क्या प्रोग्रेस है? प्रेस को क्यों नहीं बताया जा रहा कि उस लड़की की कंडीशन क्या है? मैडम हम सब ये जानना चाहते हैं कि लड़की सुरक्षित है या नहीं, बताइए मैडम। मैडम बोरवेल्स के मेंटेनेंस को लेके गवर्नमेंट ने कई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, पर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता है। आए दिन बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आज की तारीख में सैकड़ों बोरवेल्स खुले पड़े हैं, उसके लिए आपने अब तक क्या एक्शन लिया है मैडम? आप बताती क्यों नहीं, आप चुप क्यों है मैडम? मैडम आप यहाँ की कलेक्टर है, क्या आप इस केस को सीरियसली लेंगी या बाकी प्रॉब्लम्स की तरह इसे भी इग्नोर कर देंगी? इतने सालों से बोरवेल में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं करवा पाए, ऐसा कब तक चलेगा? हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे मैडम? सिर्फ एक रस्सी लटका के लड़की को कैसे बचाएंगे? हमें सच सच बताइए मैडम, बच्ची जिंदा है या मर चुकी है? आप लोग प्लीज अपने माइक और कैमरास बंद कर दें, क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ और ना ही कोई स्पीच दे रही हूँ। इस वक्त जो भी कहूँगी आपके लिए वो महज एक न्यूज ही होगी। आपके सवाल सुन के और आपका गुस्सा देख कर पता चलता है कि आप जमींदार को अरेस्ट करवाना चाहते हैं और उस बच्ची को सेफ देखना चाहते हैं। आप में से किसने पूछा कि मैं जमींदार को अरेस्ट करवाऊंगी? मैंने पूछा मैडम। वो जरूर अरेस्ट होगा और मैं वादा करती हूँ शाम तक दंशिका बोरवेल से बाहर आ जाएगी, पर इसके लिए आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। आज की ये घटना देश का आम आदमी ही नहीं बल्कि इस देश के सभी MPs, हर मिनिस्टर और शायद प्रेसिडेंट भी टीवी पर ये देख रहे होंगे। उस बोरवेल में अमीर आदमी की बेटी होती तो अब तक शायद सबके स्टेटमेंट्स आ चुके होते, पर चूंकि लड़की पुअर फैमिली से बिलोंग करती है उसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा। ये अमीरी और गरीबी का अंतर युगों से चला आ रहा है, जब किसी अमीर आदमी पे मुसीबत आती है तो नेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन गांव के गरीब पर मुसीबत आती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। किसी बड़े शहर में अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसे नेशनल इशू बना दिया जाता है, पर छोटे कस्बों में छेड़छाड़ हो, रेप हो या फिर लड़की के साथ, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। आज क्राइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्राइम की लोकेशन या विक्टिम का सोशल स्टेटस है। जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय। एक्सक्यूज मी मैम, MLA जी आए। लोकेशन पर पहुंच गया हूं। रखता हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम मुझे तो लगा आप ऑफिस से ऑपरेशन हैंडल कर लेंगी, पर आप तो यहाँ लोकेशन पे हैं। मैडम मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। एक सेकंड मैडम, आपने प्रेस से कहा कि आप जमींदार को अरेस्ट करेंगी, अच्छी बात है। अब आप चुप रहिएगा मैडम, पब्लिक को मैं समझा दूंगा, बस आप DSP को फोर्स मत करो। आप मेरी बात समझ रही ना? आज जो मैं MLA हूँ उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। रूलिंग पार्टी के आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए थोड़ा संभल के मैडम। मुझे तो ये बताया गया कि लड़की का पिता आपकी पार्टी का वर्कर है। सर हाँ बोलो। वो औरत पागल है क्या? हाँ मुझे तेवर दिखाएगी? वो किसी आम सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उससे कहो मुझसे बात करे। अच्छा ठीक है मैडम, मंत्री जी लाइन पर हैं। सर सुनो। जी बताइए सर। तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही जमींदार को अरेस्ट करने की। सर हेलो, हेलो, मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। जाकर अपने मिनिस्टर से कह दो कि आज शाम तक मैं उन्हें अरेस्ट करवा कर रहूंगी। एक MLA और जमींदार को अरेस्ट करने का चैलेंज कर रही हो? जो टाइम पब्लिक को कंसोल करने में वेस्ट किया उससे बेटर होता तुम MLA और मिनिस्टर को कन्विंस करती।
मिनिस्टर्स को सर्वे करना तुम्हारी ड्यूटी है और जनता के हितों की रक्षा करना उनके चुने हुए एमएलए और मिनिस्टर्स की ड्यूटी है, पर इन नेताओं ने डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है। नेता कितना भी गलत करे या झूठ बोले, पब्लिक उन्हीं की पूजा करती है और उनकी भलाई की सोचने वाले तुम जैसे ऑफिसर्स के लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। एक पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात की जैसे कोई रिवोशनली लीडर माइक पर पुलिस को तीखे सवाल करता है, सुनना चाहती हो? लिसन टू दिस। वो पब्लिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या पुलिस भी उनकी ही तरह बिहेव करेगी? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये पूछना आपका फर्ज नहीं है? बताइए मैडम, आपने जिन गांव वालों को पानी देने की बात की थी, वहाँ के लोगों को पानी मिल गया है, वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैडम, आपने अपना वादा पूरा किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा खुश रहे। अगर बच्ची जिंदा नहीं बची ना, तो तुम सबको इसी जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? बेकार की बातें मत करो, हमें अपना काम करने दो। तू मुझे उंगली दिखा रहा है? मुझे जानता नहीं है तू? मुझे एक एक को देख लूंगा, गांव वाले अगर अपनी औकात आ गए ना तो कोई नहीं बचेगा। ये सब ज्यादा ही जोश दिखा रहे हैं, इन्हें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं भागेंगे सर, कोई वजह पैदा करनी होगी ताकि हम लोग इन लोगों को बलपूर्वक यहाँ से हटा सके। सर मार रहे हैं पर। वो पब्लिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा बिहेव करोगे? वो लोग ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करते हैं आप? ये सब कुछ इसी वक्त बंद करवाइए। मैडम, ये गांव वाले एक नंबर के अनपढ़ और गंवार हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। तो मैं खुद जाके उनसे बात करती हूं। मैडम, आप मत जाइए, मैं धनपाल को भेजता हूँ, वो उन्हें समझा देगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मैं जाकर बात करती हूँ। मैडम, वो इस लायक नहीं कि आप उनसे बात करें, उन्हें इज्जत से पेश आना नहीं होता। आखिर क्यों इज्जत करें वो हमारी? तुम चाहते हो कि वो हमसे डर कर रहे? हाँ, तुम्हारे किसी सीनियर ने तुम्हारी इज्जत की है कभी? उनके सामने कभी तेवर दिखाए हैं? किसी से इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी होती है। कौन है वहाँ? डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज बाहर आ जाइए, मैं आपसे ही बात करने आई हूँ। अरे कलेक्टर मैडम, नमस्ते मैडम। पुलिस ने आपके ऊपर पत्थर क्यों फेंका? पुलिस ने जमींदार और एमएलए के कहने पे सब कुछ किया, ऐसा कब तक चलता रहेगा? जिस पुलिस अधिकारी के कहने पर ये सब कुछ हुआ है, उस पर सख्त कार्रवाई करूंगी, पर आपको भी शांति बनाए रखनी होगी। क्या आप जमींदार को गिरफ्तार करवाएंगी? वो जमींदार तो अरेस्ट होगा ही, आप लोग सहयोग करेंगे तो वो एमएलए भी गिरफ्तार होगा। ये दोनों बातें कभी नहीं होने वाली मैडम। यहाँ पर तो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रही हैं, उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, आप नहीं पहुँच पाएंगी। पिछले महीने उसके घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी, वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, सब लोगों ने जमकर पार्टी की, खूब दावत उड़ाई। अब आप ही बताइए मैडम, कोई उसे अरेस्ट कर सकता है क्या? पिछले महीने उस बोरवेल को बंद करने के लिए कहा गया था, किसी ने बंद नहीं किया। एक गाय गिर गई, उसकी टांग टूट गई, दया नाम की चीज नहीं है किसी के अंदर। एक रस्सी लेके आ गए, आप ही बताइए, सिर्फ एक रस्सी से उसे बचाया जा सकता है क्या? आपके कहने का मतलब है कि आप लड़की को बचाएंगी और जमींदार को अरेस्ट करेंगी? हमें मालूम है आप झूठी तसल्ली दे रही हैं, कृपा करके हमें हमारी हालत पर ही हमें छोड़ दीजिए मैडम। मैडम पानी। मैडम पानी, नारियल पानी जितना मीठा था ना, यही पानी पी रहे हैं हम सब लोग, बड़े क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सालों से यही गटर जैसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आधी से ज्यादा बीमारी इसी पानी की वजह से है। मैडम किसी भी तरह उस बच्ची को बचा लीजिए, भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है, उम्र भर आपकी पूजा करेंगे। तुम उसे नहीं बचा पाओगी, ये जानते हुए भी तुम लगातार कोशिश करती रही, इससे पब्लिक को एक झूठी उम्मीद मिली। तुम अगर चाहती तो उन्हें लाठीचार्ज से भगा सकती थी, उन्हें खुश करने के लिए टाइम वेस्ट क्यों किया? बच्ची को बचाने के लिए कोई और ऑप्शन बचा है, मुझे क्लियरली बताओ। एक रास्ता है मैडम, एक ऑफिसर है जिसने एक रोबोट बनाया है ऐसी स्थिति के लिए।
ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत कोशिशों के बाद कल उसका नंबर तो मिला, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल मिल रहा है मैडम। आप अगर कहें तो एड्रेस पर ट्रेस करें, उससे मिलने की कोशिश करो। देखिए मैडम, ईस्ट में एक गांव है जहां का वो रहने वाला है। हमने ऑलरेडी VAO को उसके घर भेज दिया है। उसे ढूंढ कर तुरंत यहां ले आओ, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। ओके मैम। हेलो महाराजन, कैप्टन जी महाराजन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। प्लीज कम। यस मैम। एक बच्ची है जो बोरवेल में फंस गई है। हमने सारी कोशिश कर ली पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। बच्ची अब तक जिंदा है, जितनी जल्दी हो सके उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे इस बच्ची को बाहर निकाल सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इंडिकेशन इंजीनियर हूँ। यहाँ की मिट्टी नमी होने से पतला कीचड़ बन चुका है, खोदने से मिट्टी नीचे धंसने का डर है। इसके बजाय बोरवेल के पैरेलल 40 फुट गड्ढा खोदेंगे और सुरंग बनाकर उसे बोरवेल से कनेक्ट करेंगे। मेरे रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उस टनल में जाके लड़की को हमारे बनाए गड्ढे तक ले आएगा। Are you sure about it? मेरे ख्याल से उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Okay, make it quick then. Go ahead, carry on. Sure, ma'am. सबको यहाँ से हटाओ। जी सर। I want this place clear. एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है। सबको यहाँ से हटाओ। Make everyone move. Come on, come on, move. उस तरफ। पूरी जगह खाली करो। चलो, हटो, हटो। जाओ, सब लोग जाओ यहाँ से। I want this place clear right now. There is a crack leading towards the child. If the crack increases further, we'll all be in real danger. The faster we evacuate, the better it'll be for all of us. But we are in the middle of the process. How can we lose it? Ma'am, there is no time to panic.
We have to stop the process immediately. We are just waiting for your permission. What about the child? Ma'am, there is no choice. For just one life, we can lose many other lives. No, I can't. For safety, you can send the other workers out. But I will not stop this child rescue operation. Ma'am, I was just addressing the problems. Please don't misunderstand me. Okay. Do whatever you have to do. But we cannot stop this. This has to continue. Sure, ma'am. डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स ने बोरवेल में फंसी बच्ची को बचाने के अपने उस मिशन को उस समय बीच में रोक दिया जब 40 फीट गहराई में टनल बनाते समय जमीन की ऊपरी सतह पर दरार आ गई। इस छोटे से गांव में जहां बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है उससे तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर आज ही एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। रॉकेट लॉन्च करने में 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। इससे दुनिया को कोई भी फायदा होगा ये हमें वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन एक बोरवेल में फंसी बच्ची को बचाने के लिए सिर्फ चंद हजार रुपए की जरूरत है, हम उसमें क्यों चूक रहे हैं? एक्सटेंड ने ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक रोबोट तैयार किया है जिसे बनाने में महज 30,000 रुपए का खर्च है। क्या एक बच्ची को बचाने के लिए हम इतना भी खर्च नहीं कर सकते? वेल, इस इन्वेंशन का बेनिफिट मेनली ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। ऐसे इन्वेंशन में पैसा लगा के इन्वेस्टर को वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते जिसकी वो उम्मीद करता है। जाहिर है कि एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए ये एकदम यूजलेस प्रोजेक्ट हो जाता है। एक क्रिकेट स्टार या फिर फिल्म स्टार में जो ग्लैमर होता है वो ग्लैमर इन ग्रामीणों में नहीं होता है। ऐसे होनहार लोगों को गवर्नमेंट और मीडिया को और इनकरेज करना चाहिए, ऐसे रोल मॉडल बनाने चाहिए जो इन्हें इनकरेज करे। हम सबका फर्ज बनता है कि ऐसे इन्वेंशन के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को इसके फायदे के बारे में बताएं ताकि ऐसी घटना ना हो, और ये सब कुछ हम सबको मिलकर करना होगा। आप जानते हैं कि इंसान के बनाए रॉकेट की रफ्तार आवाज की वेलोसिटी से भी तेज तकरीबन 7 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, लेकिन 96 फीट बोरवेल में फंसी लड़की दंशिका को बचाने के लिए घंटों से प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आई है। लेकिन जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे हाइड्रोकार्बन या मीथेन निकालने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास ही है, लेकिन महज 90 फीट के गहराई से इंसान को निकालने की अब तक कोई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट नहीं बना पाई है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका फायदा शायद फॉरेन कंट्रीज ही ज्यादा उठाती है। एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? मणिकुंदन को यहाँ पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं, शायद लेट नाइट भी हो सकती है। क्या तब तक हम एक बार और कोशिश नहीं कर सकते? मैडम, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करना चाहते। जो कुछ भी पॉसिबल था उन सारे के सारे तरीकों को हमने आजमा लिया मैडम। सच यही है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ कर सकते तो इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर खड़े नहीं रहते। अगर ये बच्ची बोरवेल के बजाय कहीं किसी और जगह पर फंसी होती तो हम अपनी जान पर भी खेलकर उसे बचा लेते मैडम। आखिर सरकार हमें अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए ही तो तनख्वाह देती है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना किसी बच्चे को रस्सी से बांधकर अंदर भेजा जाए और दंशिका को बाहर खींच लिया जाए। मशीन में जान नहीं होती, बच्चे में होती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन प्रिकॉशंस लेकर प्लान आउट करके सेफ्टी रखते हुए हम ट्राई तो कर सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन भेजेंगे किसको? ऑलरेडी सोच चुकी हूँ, अगर हम प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़े तो दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बोरवेल में फंसी बच्ची की लाइफ ऑलरेडी खतरे में थी और गांव के लोग प्रशासन के प्रति वैसे ही काफी गुस्से में थे, और ऐसी सिचुएशन में तुम एक और बच्चे की जान रिस्क में डालने की सोच रही थी, इसीलिए MLA ने तुम्हें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहा, लेकिन तुमने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया।
जमींदार ने बताया कि बहुत ही जल्द दंशिका को बचाने की कोशिश फिर से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस बीच जहां पर ये हादसा हुआ है वहां स्थितियां बहुत ही भयावह बनी हुई हैं। बच्ची की जान लगातार खतरे में है। फिलहाल उस जमीन के मालिक जमींदार बालकृष्ण को अरेस्ट कर लिया गया है। चल बाहर निकल, कोई नहीं चाहिए इधर। चल निकल यहाँ से, तेरे को अलग से कहना पड़ेगा क्या? तू भी निकल। यहाँ काम कर रहा हूँ सर। बहुत हो गया तेरा काम। क्यों मैडम जी, किसी की जान बचा के रातों रात लीडर बनने का सपना देख रही हो? इतना तमाशा आखिर किस लिए? लड़की बोरवेल में गिर के मरती है तो क्या कहेंगे? उसकी मौत हो गई, पर अगर कोई दूसरा मरा तो वो हत्या होगी। कल सुबह हर न्यूज चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। ये मेरा एरिया है, पार्लियामेंट में जब इस पे सवाल उठेगा मैं जवाब दे पाऊंगा। वो रिपोर्टर जो कैमरा लेकर खड़े हैं ना, वो तुम्हें नहीं बल्कि सब के सब मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे। ए डॉक्टर, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे हिसाब से और कितनी देर जिंदा रहेगी? देखो मुझे गलत मत समझो, तुमने पहले भी ऐसी मौतें देखी होंगी। हाँ सर, ऐसे कंडीशन में काफी देर पहले डेथ हो सकती थी, लेकिन अजीब बात है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। अरे और कितनी देर तक चलती रहेगी, आखिर मरना तो है ही ना। कलेक्टर मैडम ऐसे देख रही है जैसे मैं मारने वाला हूँ। ए तुम सुनो, इधर आओ। उसे बचाने का और कोई तरीका बाकी है क्या? सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? उसके जिंदा रहने तक कोशिश करती रहूंगी। हाँ? आप बताइए क्या करूं? एक नन्ही सी जान को मरता देखूं? आपकी तरह अपनी आंखें फेर लूं? उसके मरने के बाद चैन से सो पाएंगे आप? लोग इस उम्मीद में है कि मैं उस लड़की को बचा लूंगी। किसी की उम्मीद को जिंदा रखना गुनाह है क्या? कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, अपनी कोशिश के प्रति ईमानदार रहूंगी, किसी भी हद तक बचाने की कोशिश करूंगी। तो मैं करने दूंगा तब ना, ये मेरी अपनी समस्या है। लड़की मरी तो मैं जवाब दूंगा, हमारी सरकार उसे मुआवजा देगी, मेरी पार्टी उसे पैसे देगी, मैं पैसे दूंगा, पैसों से उसके आंसू पोंछेंगे। ए गरीब को और चाहिए क्या? पैसों से बड़ा कोई मरहम नहीं। मेरी बात सुनो और उसे समझो। दुनिया को दिखाने के लिए उसे बचाने की एक्टिंग करते रहो, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे मरा हुआ घोषित कर देंगे। बात समझ गए ना? ए भूपति, आज रात को 5 लाख कैश रेडी रखो उसके मरने के एवज में, वो मरने वाली है। हमारे इस देश को सिर्फ 2 लोग चलाते हैं, यहाँ के नेता और ये अधिकारी। जनता हमारे पास आती है अपनी समस्या का हल पाने के लिए, लेकिन अपने वोट इन्हें देकर सारे पावर इन्हें दे देती है। ये सिर्फ इस बच्ची का मसला नहीं है, बल्कि इन्हें वोट देने वाले लोगों के विश्वास का है। जब ये नेता इन भोले भाले लोगों को गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं, बहुत दुख होता है। इस वक्त हमारे सामने इस देश के 2 अलग-अलग चेहरे हैं। एक है रॉकेट इंडिया और दूसरा बोरवेल इंडिया। रॉकेट इंडिया प्रगति का प्रतीक है और बोरवेल इंडिया प्रतिनिधित्व करता है गरीब भारत है। तो हमें बताइए, दोनों में से भारत का सही चेहरा कौन सा है? सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे आखिर मकसद क्या है, तभी उसकी सार्थकता समझ में आएगी। मिशन है लैंड में पोटेंशियल माइंस का पता लगाना, और आपका मतलब यहाँ मिनरल्स की खोज करना तो है ही, उसके अलावा मेटल्स के पोटेंशियल माइंस लोकेट करना। दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तरह इंडिया ने अपने मिनरल्स रिसोर्सेज को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाई है, पानी के रिसोर्सेज को भी ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। रॉकेट हमारे लिए साइंटिफिक सक्सेस है, इस सक्सेस को सच्चे मायने में आवाम की जीत बनाना गवर्नमेंट का काम है। हमारे देश के स्पेसिफिक एरिया में ये काम डेवलपमेंट की एक तस्वीर हमारे सामने रखती है, लेकिन दूसरी ओर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, न कि सिर्फ हमारी सरकार बल्कि भारत के डेवलप्ड हिस्से में रहने वाले लोग भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते और सब के सब इन्हें इग्नोर कर देते हैं। नहीं बचाएंगे।
क्यों नहीं आ रहा? मॉनिटर चेक करो। दंशिका, 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 what's wrong? Check immediately. दंशिका not able to see anything. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। No, I know what's happening to the child. जल्दी से पानी ले आओ। शांत हो जाओ। Madam, madam, there is no problem there. There is no problem there. The problem is with the camera. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। Madam, madam, it's working. दंशिका, दंशिका। कुछ नहीं हुआ। दंशिका, मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वो ठीक है, घबराओ मत, please. तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वाटर, जल्दी से पानी ले आओ। लड़की के ऊपर थोड़ा पानी डालो, जल्दी। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, थोड़ी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। जल्दी आइए मैडम, उसकी माँ बाप को बताओ, जल्दी जाकर बताओ, सबको नीचे से हटा दो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सब लोग चुप हो जाओ, बच्ची जिंदा है। सब लोग बाहर आओ और खुद ही देख लो। दंशिका जिंदा है वीरेंद्र, हम तैयार हैं। मैडम ने जो कहा है वो करो, चलो 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 जल्दी। मैडम उसका जाना सेफ नहीं होगा, उन्हें वहाँ जाने से रोकिए, प्लीज कुछ कीजिए। बोरवेल को खुला रखने वाला वो जमींदार था, क्या हम लोग उसे रोक पाए? तो फिर इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम अपनी बच्ची को बचा के रहेंगे। सारी बात इन्हें ही क्यों समझानी पड़ती है? क्या उसे कुछ कहने की हिम्मत थी आपकी? कोई भी साथ नहीं दे रहा, अकेले क्या क्या करूं मैं? अगर आज उस लड़की को नहीं बचा पाए तो उम्र भर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज मैडम ऐसा मत कहिए। मैडम कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए।
अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अपने बच्चों के बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा मैडम। ए, मायूस क्यों होता है? हैं? हम लोग है ना हम लोग? तुम लोग मैडम को नहीं देख रहे? उन्होंने हिम्मत हारी है क्या? हैं? तंशिका को भी यकीन है कि हम उसे बचा लेंगे, तो तू क्यों मायूस होता है? अरे कोई इतनी जल्दी हिम्मत हारता है क्या? हाँ? कोई हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हम अपनी बच्ची को जरूर बचा लेंगे। चलो सब लोग मेरे साथ चलो। हम उसे निकालेंगे अपने ही दम पर। आज के बाद किसी भी निश्चर को यहाँ नहीं आने देंगे। असली गुनहगार तुम ही हो, इस देश को चलाने वाले तुम ही हो, इन सब के जिम्मेदार तुम ही लोग हो। चुप रहो तुम, जिंदगी जहन्नुम बना रखी हमारी। चलो चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जानती हो कि तुम्हारा फैसला कितना गलत था? तुमने दो बच्चों की जान खतरे में डाली, उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पता है तुमने क्या किया? यू आर एंटी गवर्नमेंट। करती ना हमारे पास इक्विपमेंट्स थे और ना ही कोई ऑप्शन अवेलेबल था सर। ऐसे हालात में एक ऑफिसर के नजरिए से नहीं देख सकती थी। एक आम नागरिक की तरह उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया सर। जिस लड़के को हमने नीचे भेजा वो बहुत अच्छा स्विमर है और अपनी सांस को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकता है सर। यही सोचकर हम सब ने ये स्टेप लिया। पानी लाओ। बेटा, बेटा आगे
पानी पानी बेटा पानी। ठीक है ठीक है। मैडम लड़के की पल्स रेट स्लो है, मुझे डर है कि एमएलए की बात कहीं सच ना हो जाए। लड़का पहले से ही कमजोर है, शरीर और दिल दोनों से, कहीं ये गलत फैसला तो नहीं था। अपने मरते हुए बच्चे को देखकर क्या उसके माँ बाप जिंदा रह पाएंगे? तुम इन लोगों को हारते हुए देख रहे हो, पर मैं इन्हें इन मुश्किल हालातों से बहादुरी से लड़ते हुए देख पा रही हूँ। आज इनकी ही जीत होगी, इनके अंदर मैं हौसला देख रही हूँ। अगर आप में दिल है तो इनकी मदद कीजिए, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर। यहाँ हम लोग गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं हैं। सच कहूँ तो आज इन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हौसले से कुछ भी संभव है। मैं आपको बता दूँ, आपके सामने कोई कलेक्टर नहीं बल्कि एक साधारण औरत खड़ी है, लेकिन कलेक्टर बनके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पावर में रहकर आम इंसान बने रहना कितना मुश्किल हो सकता है। अपने ओहदे को भुलाकर आम नागरिक बनके तंशिका को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मंटू, तुम ही हो जो तंशिका को बचा सकते हो। तुम्हें अंधेरे में डर लगता है ना? तुम कुछ मिनट भी अंधेरे में नहीं रह पाए, तो सोचो तुम्हारी बहन पूरे दिन से उस अंधेरे में पड़ी हुई है, और तुम ही उसे उस अंधेरे से निकाल सकते हो। तंशिका को बचाकर तुम एक इतिहास रच दोगे मंटू। इस देश में जब भी कोई ऐसे हादसे का शिकार होगा और ऐसे रेस्क्यू मिशन्स होंगे, तो उनके लिए मिसाल कायम करोगे। इसलिए कहती हूँ, तुम अपनी बहन को बचा लो। आज तुम सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बचाओगे मंटू, बल्कि तुम्हारी ये कामयाबी हमारे देश के साइंस की नाकामयाबी को सबके सामने लाएगी। उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस जमीन की गहराई में उतरना चांद तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है, मैं जानती हूं। मैं ये भी जानती हूं कि तुम ये कर लोगे। जाओ। मैडम, मेरा बेटा जाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को भेजिए। नहीं, मेरा बेटा नहीं, बचाएगा। नहीं, मेरा जाएगा मैडम। नहीं, मैं अपने बेटा को भेजूंगी। नहीं नहीं, मेरा बेटा जाएगा। मेरा बेटा जाएगा। मैडम, मेरा बेटा जाएगा। अपनी बहन को मैं खुद लाऊंगा। हे भगवान,
शुक्र मनाओ कि वो बच्ची बच गई। अगर कहीं ये तुम्हारा फैसला गलत हो जाता तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। डू यू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ वॉट यू हैव कॉस्ट? देखो मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, क्योंकि मुझे ऊपर जवाब देना होता है। पर्सनली तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है माधवी, क्यों ना तुम मिनिस्टर से बात करती? मेरी ड्यूटी पॉलिटिशियंस को कन्विंस करना नहीं है सर, बल्कि जनता की सेवा करना है। Democracy is not merely a form of government. It's essentially an attitude of respect and reverence towards your fellow men. ये बात कानून की किताबों ने मुझे सिखाई। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, भारत के हर नागरिक पर लागू है। माधवी मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए अपनी पोस्ट से रिजाइन मत करना। तो एक गुलाम बनकर दूसरे की गुलामी के लिए काम करो? दिन रात मेहनत करके कई सपने लेकर हम सिविल एग्जाम्स पास करते हैं सर, ताकि हम जनता की सेवा कर सके, उनके लिए कुछ कर सके, पर ऐसा होता नहीं है सर। लेकिन इन करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से हमारे हाथ बन जाते हैं और हम अपने अधिकारों को यूज नहीं कर पाते। जब मेरी एजुकेशन और मेरी पोस्ट मेरे किसी काम की ही नहीं और मुझे किसी के इशारों पर काम करना पड़े, तो ऐसी पोस्ट पर रहने का क्या फायदा सर? जनता की सेवा करना ही मेरी लाइफ का एकमात्र मिशन है। मेरी पोस्ट मेरे लिए एक दीवार बन गई है जो लोगों से मुझे दूर रखती है, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। लेकिन इन स्वार्थी नेताओं की वजह से हमारे हाथ बंधे होते हैं। मैडम किसी भी तरह उस बच्ची को बचा लीजिए, भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है, उम्र भर आपकी पूजा करेंगे। किसी की जान बचा के रातों रात लीडर बनने का सपना देख रही हो? अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ रहा है, हमारे लिए कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ सब मर जाएंगे, हमारे लिए कुछ करो। मैं माधवी शपथ लेती हूँ कि आज से एक साधारण इंसान बनकर सबके प्रति न्यायप्रिय रहूंगी, सच्ची लगन और मेहनत से जनता की सेवा करूंगी।